प्राचीन भारत के तीन सबसे घातक और जानलेवा हथियार। नंबर 3 कटार। दक्षिण भारत में बना यह हथियार छोटा मगर बेहद ही घातक हथियार है, क्योंकि इस हथियार में 3 काफी तेज धार वाली ब्लेड लगी होती है जो इतनी खतरनाक होती है कि अपने रास्ते में आने वाले किसी भी दुश्मन को मौत के घाट उतार सकती है। नंबर 2 बाघनक। यह हथियार एक बेहद ही गुप्त और खतरनाक हथियार है, जिसे आसानी से छुपाकर किसी भी इंसान पर जानलेवा हमला किया जा सकता है, और साथ ही यह वही हथियार है जिससे शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मौत के घाट उतारा था। नंबर 1 दंडपट्टा। मराठाओं द्वारा निर्मित यह तलवार भारत की सबसे खतरनाक तलवारों में से एक मानी जाती है, जो एक बार में कई सैनिकों के सर को धड़ से अलग करने की काबिलियत रखती है, क्योंकि इस तलवार के दोनों तरफ बेहद ही तेज धार लगाई जाती थी जो वजन में काफी हल्की होती थी, और शिवाजी महाराज इस तलवार को चलाने में सबसे अधिक माहिर माने जाते हैं।